हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई एम अ काउंसलर, हीलर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से स्टक हैं, कोई पर्सनल सिचुएशन भी हो सकती है या फिर कोई करियर से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ऐसी जिसमें कि आपको लग रहा है कि आप बहुत सालों से जो है वो इस प्रॉब्लम में आप स्टक हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही, सो आप एक टैरो रीडिंग, डिटेल टैरो रीडिंग मुझसे लेके अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगी, यूनिवर्सल गाइडेशन आपको गाइडेंस जो है वो दूँगी, और एंजल्स आपको क्या कह रही हैं, किस तरह से अपने रास्ते को आपको जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। सो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरी पेड रीडिंग होती हैं और वो एक सभी के लिए अवेलेबल है। एक तरह से इतना ज़्यादा चार्जेस मैंने नहीं रखा है। सो आप मुझसे पेड रीडिंग ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप पे नंबर आता रहता है, या आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ऐप भी दीपिका मेडिटेशन पावर जो है उसके मैसेंजर बॉक्स में आप जाके मुझको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप मुझको जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक पेड रीडिंग के द्वारा आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में इसी तरह से प्रोग्रेस करें और आपकी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हम जो है वो दूर करने में आपकी हेल्प कर पाएँ। सो बस यही उम्मीद है, यही मेरी प्रेयर है कि आप सभी लोग जो हैं इसी तरह से आगे बढ़ें, खुश रहें, हैप्पी रहें और सेफ रहें। और तो चलते हैं मेरी रीडिंग की तरफ। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स, हम जो हैं अब एज ऑफ एक्वेरियस में एंटर कर रहे हैं और आज 21/12/2020 है। न्यू पोर्टल ओपन हो गया है, खास करके ट्विन फ्लेम वालों के लिए। ट्विन फ्लेम में किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनाइन की, इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ। सो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज से जो है इस एज ऑफ एक्वेरियस में जो जुपिटर हैं, यानी कि जो हमारे धर्म के, जो हमारे धर्म के दाता बोले जाते हैं विष्णु जी, और सैटर्न यानी कि हमारे जो कर्म के दाता हैं, कर्मों के अनुसार फल देते हैं शनिदेव जो होते हैं। सो अब इनके द्वारा इस जर्नी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। सो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको जो है अब फल प्राप्त होगा। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में खासकर मैं फ्रेंड्स, मैं ऑलवेज बात करती हूँ एनर्जीज की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ जेंडर्स। जो हमारे मेल पर्सन हैं उनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी हो सकती है, और जो हमारी फीमेल पर्सन हैं उनके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एनर्जीज की बात करेंगे, जेंडर्स की बात नहीं करेंगे। और जिन डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, सो वो और आगे की तरफ लीड करेंगे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। सो आइए बात करते हैं कि किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं 2020 में, यानी कि आज 21/12 को किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। तो हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, जो उन्होंने बहुत ही लीड ली हुई है और वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रही हैं, अपने आप को ग्रो कर रही हैं, ग्लो कर रही हैं, और अपने प्रोफेशन में अब वो काफ़ी ध्यान दे रही हैं और चीज़ों को बहुत पैशनेट तरीके से कर रही हैं और आगे की तरफ लीड लेते हुए वो ग्रो कर रही हैं, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ रही हैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रही हैं, और वो नए नए विज़न के साथ इस कार्य में जुड़ रही हैं।
कुछ लोग जो हैं वो हीलर बन चुके हैं, कुछ टैरो कार्ड रीडर्स हैं, कुछ और हीलिंग का जो वर्क है, नया वर्क जो है वो सीखेंगे, आगे की और बढ़ेंगी। हमारी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, और जो जो नहीं भी कर रहे हैं, जो हीलर्स नहीं भी हैं, वो किसी ना किसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि हैं तो वो कोई भी अच्छी बातें, ईश्वर से रिलेटेड बातें जो हैं वो शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस जर्नी में लीड लेंगे। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो कि कुछ जिनके की घर में या जिनके की घर में अच्छा नहीं माना जाता है इन सब चीज़ों को, हो सकता है कि वो अपना घर परिवार छोड़ने के लिए भी सोच सकती हैं और वो अपनी आध्यात्मिकता की और आगे बढ़ेंगी। और अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उनकी भी अच्छी से काफ़ी अच्छी अब हीलिंग हो चुकी है, एनर्जीज उनकी भी काफ़ी स्टेबल हो चुकी हैं, बैलेंस हो चुकी हैं, वो पूरी तरह से बैलेंस में आ चुके हैं और अब वो भी अपने आप को प्रोफेशनली जो है ग्रो कर रहे हैं ईश्वर में। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है अब वो ज़्यादा विश्वास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन के जो है पीछे ही हैं, ज़्यादा पीछे नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपने आप को काफ़ी जल्दी ग्रो किया है, डिवाइन फेमिनाइन ने इस जर्नी में काफ़ी टाइम लिया था अपने आप को स्टेबल करने में। अभी भी डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, दोनों की ही हीलिंग चल रही है डिवाइन के द्वारा। मेरी डिवाइन फेमिनाइन को एक सजेशन है कि आप अपना हार्ट चक्रा हील करें, क्योंकि हार्ट चक्रा बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस का अभी भी ब्लॉक है। सो प्लीज़ हार्ट चक्रा की हीलिंग करें। आप मेरी मेडिटेशन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने मेडिटेशन बनाई हुई है हार्ट चक्रा हीलिंग की, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो अपने कार्मिक्स को छोड़ देंगे। अब वो अपने जो कार्मिक्स हैं, चाहे उनकी फैमिली में कोई कार्मिक है, उनके फ्रेंड सर्कल में कोई कार्मिक है, या वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, तो वो उन बंधनों को तोड़ने के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो डिवाइन फेमिनाइन को क्लियरिटी भी देंगे आने वाले समय में। सो फ्रेंड्स, इस तरह के चेंजेस जो है वो इस पोर्टल में आएंगे। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही अच्छा वर्क कर रही हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो गई हैं, काफ़ी बैलेंस में आ चुकी हैं, थोड़ी बहुत जो है हीलिंग जो है वो रहती है। सो वो हीलिंग आप करते रहें, हीलिंग आपकी चलती रहेगी। डिवाइन के द्वारा आपको जो है ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती हैं और मिलती ही रहेंगी। आप अपने आप को कूल काम एनर्जीज में रखिए, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो हैं अब वेट कर कर के वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। सो आप सेल्फ लव में रहिए, मैं बार बार कहती हूँ सेल्फ लव में रहिए, हीलिंग कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए। अपने आप को आप जितना हील करेंगी उतना ही आप कूल एंड काम एनर्जीज में आएंगी। सो डिवाइन मैस्कुलाइन जो है अब वो अपने कार्मिक्स को छोड़ने के लिए बहुत ही सोच विचार करेंगे और सभी को उनके कर्मों के आधार पर जो है फल मिलेगा। और धर्म में हम अब जो है और आगे की ओर बढ़ेंगे। सो हमें ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं विष्णु जी की और शनिदेव जी की। सो फ्रेंड्स, आप जो हैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स लें, अपनी हीलिंग करें, आगे बढ़ें, इसी तरह से अपने आप को पावर में रखिए। डिवाइन फेमिनाइन जो है काफ़ी पावर में आ चुकी हैं, काफ़ी स्टेबल हो चुकी हैं, काफ़ी बैलेंस हो चुकी हैं, लेकिन बार बार वो कई बार पास्ट में चली जाती हैं, जिसकी वजह से
कि उनको फिर पेन होता है। सो प्लीज़ आप अपनी हीलिंग जो है वो करते रहें, अपने आप को कूल एंड काम एनर्जीज में रखने का प्रयत्न करें और अपनी हीलिंग करते रहें। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक्स को छोड़ेंगे, डिवाइन फेमिनाइन को क्लियरिटी जरूर देंगे, क्योंकि अब कर्म करने का समय आ गया है। कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे चेंजेस अब होने वाले हैं। फिर दोबारा से डिवाइन फेमिनाइन को न्यू एनर्जीज जो है वो प्राप्त होंगी, डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो अपनी हीलिंग करेंगे, हीलिंग कंटिन्यू रहेगी, हीलिंग उनकी होती रहेगी। सो डिवाइन फेमिनाइन को अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है और अपनी वही पॉजिटिव एनर्जीज अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी देते रहें। फ्रेंड्स, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। अब जो आज से पोर्टल ओपन हो रहा है उसके लिए मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे से समझने की कोशिश करें, अपने आप को हील करें, अपने वूंड्स को क्लियर करें, तभी आप रीयूनियन की तरफ जा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आता रहता है, मैं डिस्काउंट दे रही हूँ अभी न्यू ईयर प्रेडिक्शंस के लिए, सो आप उसको मैसेज कर सकते हैं। टिल देयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।